कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अध्याय एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, चार बड़े इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे तो हम देखेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, WAN, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, वो सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो बड़े टाइप के नेटवर्क्स होते हैं और इनमें हम चार अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। इंटरनेट क्या है? डेटा है, जिसको हम डेटा के नाम से जानते हैं। जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसके लिए हम मोबाइल और ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। डेटा सेंटर नेटवर्क्स, यहां पर हमारा डेटा रखा होता है और एप्लीकेशन रखा होता है। फिर आता है ट्रांजिट नेटवर्क्स। ट्रांजिट क्या होता है? जैसे आप एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, मान लीजिए फ्लाइट से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो कहीं थोड़े देर के लिए रुकते हैं, तो इसी को हम ट्रांजिट नेटवर्क कहते हैं। और उसके बाद एंटरप्राइज नेटवर्क, यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक संस्थान है, या आपका ऑफिस है, या आपका इंस्टीट्यूशन है, किसी कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर जो नेटवर्क हम अमूमन पाते हैं उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क्स। अब एक एक के बारे में हम तफसील से बात करते हैं। ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में ब्रॉडबैंड एक्सेस या ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगा होगा, जिससे आप इंटरनेट की प्राप्ति करते हैं। तो पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर नए नए आए तो लोग उसको लेते थे वर्ड का काम करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। लेकिन आज के जमाने में कंप्यूटर आप देखेंगे लोग केवल इंटरनेट के लिए भी ले रहे हैं, केवल और केवल इंटरनेट के लिए ले रहे हैं। तो इंटरनेट एक्सेस, इससे होता यह है कि आप घर में बैठे हुए हैं और घर से बैठे बैठे आप पूरे ग्लोब, पूरे विश्व में कहीं भी कनेक्ट हो पा रहे हैं, जानकारी ले पा रहे हैं। कहने का मतलब कि जानकारी तो ले ही रहे हैं, साथ में लोगों से बात कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और सर्विसेज भी पा रहे हैं। ये साहब हैं बॉब मेटकैफ साहब। ये जो है वो इन्वेंटर है ईथरनेट के। ईथरनेट के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आगे चल के, लेकिन अब आप समझ लीजिए नेटवर्किंग का एक पार्ट है। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस की थी, इन्होंने एक कल्पना की थी या एक बात बताई थी कि कोई भी नेटवर्क जो है उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट या उसका फैलाव किस तरीके से होता है। नेटवर्क का फैलाव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसके स्क्वायर से। और आप देखेंगे कि जो इन्होंने कहा था इसको हम कहते हैं मेटकैफ्स हाइपोथेसिस। क्या कहेंगे? मेटकैफ साहब की हाइपोथेसिस है। और जो इन्होंने कहा था वो आज हम देख भी रहे हैं कि इंटरनेट किस तरीके से ये बढ़ा, क्योंकि इसके यूजर्स बढ़े और आज जो इसका साइज है, इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क की जहां तक बात हो रही है, वहां पर कनेक्शन कैसे स्थापित करते हैं। कईयों के घर में आप देखेंगे कि कॉपर वायर से कनेक्शन होगा, जिसे हम टेलीफोन लाइन से देखते हैं। कोएक्सियल केबल से है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये तो बहुत ही बढ़िया तकनीक है, इसमें डेटा रेट बहुत अच्छा मिलता है। आज के जमाने में गीगाबिट बहुत अमूमन बात हो गई है और मोबाइल पे एक्सेस करना ये भी बहुत आसान हो गया है। मोस्टली लोग अब मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अब यहां पर मैं आपको मोबाइल और वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि मोबाइल और वायरलेस ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए हम इनको दोनों अलग अलग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स का मतलब वो है जो आप हाथ में लेके चलते हैं, अपने लैब पे या फिर अपने पैरों पे रखते हैं, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन। ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाला या इसमें एडवेंट होने वाला या इसमें तकनीकी जो आगे बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा किस सेगमेंट में है? कंप्यूटर इंडस्ट्री में है, यहां पर इन सब डिवाइसेस में। अब होता यह है कि लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एनीवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। मोबाइल में आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, वहां पर आप ईमेल कर सकते हैं, अगर आप ट्विटर पे हैं ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड बना सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, मैप्स देख सकते हैं, इंटरनेट से सारी जानकारियां ले सकते हैं। ओके, लेकिन अब क्या है
कि अगर मैं आपको कहूं कार में वायरलेस हो या मोबाइल हो, बोट्स पे वायरलेस हो, एयरप्लेन्स पे वायरलेस हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि एयरप्लेन पे आप वायर कैसे कनेक्ट करेंगे? हवाई जहाज तो यहां से उड़ के वहां जा रहा है, वायर तो कनेक्ट हो नहीं सकता। एक एग्जांपल इसका देता हूं, वायरलेस का मतलब क्या होता है, जहां पर वायर ना हो। सेलुलर नेटवर्क, आपके मोबाइल में एक सर्विस होगी किसी भी एक कंपनी की, जिसको आप पैसा देते हैं, वो आपको डेटा देता है, कनेक्शन देता है। तो सेलुलर नेटवर्क है, ये सबसे इजी एग्जांपल है आपको समझने के लिए वायरलेस क्या होता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है वायरलेस हॉटस्पॉट। अब आप मोबाइल का मतलब समझ गए ना, अब ये मोबाइल की बात खत्म हो गई है। अब मैं आपको बता रहा हूं वायरलेस के लिए हॉटस्पॉट जो होते हैं, यानी जहां से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ये 802.11 IEEE के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अब इसमें मैंने वायरलेस लैन डब्ल्यू लैन तो लिखा हुआ है, लेकिन ये शुरुआत 802.11a और आज के समय में 802.11ax 54 Mbps से अब आप 10 से 12 Gbps की स्पीड पे आ चुके हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड मैं आपको बात कर रहा हूं वायरलेस हॉटस्पॉट का 802.11, ये स्टैंडर्ड है वायरलेस नेटवर्क का। ये किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए, पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए, जैसे फोन हो गया, टैबलेट्स हो गया, ठीक है जी। तो वायरलेस नेटवर्क खास तौर पे जो लोग यहां से वहां जाते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उनके लिए जरूरी है। खास तौर पे आप देखेंगे ओला उबर लिफ्ट जो सर्विसेज है, आपने जरूर ये यूज किया होगा, उसमें इसका बहुत उपयोग होता है। यहां पर आपको मैं बताना चाह रहा हूं जो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि वायरलेस नेटवर्किंग और मोबाइल, जो आपके मोबाइल पे जो डेटा कनेक्शन या मोबाइल की जो सर्विस है, जैसे मैंने आपको सेलुलर नेटवर्क बताया, ये दोनों अलग अलग है। मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क, ये दोनों अलग अलग है। अब मैं आपको यहां पर कॉम्बिनेशन बता रहा हूं वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल कंप्यूटिंग का। तो होता यह है कि अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर है ऑफिस में आपके, तो ये वायरलेस नहीं है क्योंकि डेस्कटॉप रखे हुए हैं, लेकिन ये मोबाइल भी नहीं है क्योंकि उठा के आप जा नहीं सकते। लेकिन अगर लैपटॉप है किसी होटल के रूम में, तो आप इसको मोबाइल यहां वहां तो ले जा सकते हैं, लेकिन वायरलेस नहीं है क्योंकि किसी न किसी जैक में आपको कनेक्ट करना होगा इसको। आजकल तो ये भी आपको वायरलेस मिल जाते हैं, मतलब आप वायरलेस एक्सेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क्स किसी अनवायर्ड बिल्डिंग में, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें वायरिंग नहीं है और वहां पर नेटवर्क है, तो वायरलेस तो है लेकिन मोबाइल नहीं है। अगर आप देखें स्टोर इन्वेंट्री, इसका मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं विद अ हैंडहेल्ड कंप्यूटर, इसमें वायरलेस भी है मोबाइल भी है, इसका एग्जांपल आएगा अभी। एक और चीज हम कह सकते हैं इसी को थोड़ा दूसरी तरीके से समझिए कि जो वायरलेस कंप्यूटर है वो मोबाइल नहीं है। आप वायरलेस कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि आप वायरलेस कंप्यूटर लेके एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र जा सकते हैं, आप एक परिधि में रहते हैं। जैसे एक कोई ऑफिस है आपका, या कॉलेज है, या होटल है, वहां पर केबलिंग नहीं है मान लीजिए, तो बेटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क को आप वायरलेसली कनेक्ट कर लीजिए। ये कंप्यूटर वन, कंप्यूटर टू, ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे। वायर को लगाने से अच्छा आप वायरलेसली कनेक्ट करिए। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, हमारे पास ऐसे भी है जो पूरी तरीके से मोबाइल है और वायरलेस एप्लीकेशन है। जैसे अब आप देखिए, ये आपका एयरपोर्ट है, यहां पर गाड़ी आई और एयरपोर्ट पे खड़े होके अपने आदमी को लेके वापिस गई या सामान को लेके गई, तो यहां जो खड़ा आदमी है ये कैसे काम करेगा, इसके पास क्या क्या है, ये क्या करेगा? इसके पास RFID की RF मतलब जो रेडियो वेव का एक फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो अगर उसके पास है, या वो बारकोड रीड कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि जब ये गाड़ी जा रही होगी तो RFID चिप या फिर जो रिटर्निंग कार्ड्स है, और साथ में मोबाइल डिवाइस भी है उसके पास, उसके हाथ में एक बिल्ट इन कंप्यूटर भी है उसके अंदर, वो मेन कंप्यूटर को कॉल करेगा, रेंटल लेगा कितना इसका पैसा हुआ, और प्रिंट निकाल के दे देगा वही ऑन द स्पॉट। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या तकनीक हो गई, मोबाइल भी है, वायरलेस एप्लीकेशन भी है। तो स्मार्टफोन जो आपके हाथ में आजकल है, चाहे आप एप्पल का हो, सैमसंग का हो, या किसी और अन्य कंपनी का हो, इसमें आप मोबाइल फोन्स तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर भी है, क्योंकि ये मोबाइल जो है ये किसी न किसी सर्विस से कनेक्ट होगा जिससे आप कॉल करते हैं, कॉल जो लगाते हैं, और उसके बाद यहां से जब डेटा यूज करते हैं, डेटा यहां यूज कर रहे हैं या मोबाइल सर्विस यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज मिलके मोबाइल फोन और मोबाइल कंप्यूटर दोनों हो गया। तो ये जो फोन है ये आप आराम से किसी भी जगह जाके वायरलेस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए 3G नेटवर्क है, 4G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है, उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जब नया नया मोबाइल्स आए थे तब डेटा की बात तो होती नहीं थी, वहां पर जो टेक्स्ट था, मतलब टेक्स्टिंग या टेक्स्ट मैसेजिंग, ये हम खास तौर पे
यूएस और उस इलाकों में कहते हैं, बाकी इलाकों में इसको एसएमएस कहा जाता था। आज भी है ये, तो ये सेलुलर नेटवर्क में सबसे ज्यादा यूज होता था। लेकिन मैंने जैसे बताया ये मोबाइल सर्विस है, मोबाइल की कनेक्शन मोबाइल की कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है, और जब मोबाइल की कंपनी से आप डेटा लेते हैं या कोई वायरलेसली आप एक्सेस पॉइंट से डेटा लेते हैं तो वहां पर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, सिग्नल यूज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर यूज कर सकते हैं। तो इन सब ने अभी आप देखिए सारा का सारा एसएमएस का काम इससे होने लगा है, वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। मोबाइल और वायरलेस एक्सेस नेटवर्क में आप देखेंगे आपके हाथ में जो मोबाइल है इसमें आपको जीपीएस भी मिलेगा। अब जीपीएस किस किस काम के आ सकता है? जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हमारे जो आसमान में बहुत सारे हमने सैटेलाइट छोड़ रखे, जो सैटेलाइट है, अगर मैं जीपीएस की बात करूं, नैवस्टार जीपीएस, 24 सैटेलाइट है जो वर्किंग होते हैं, वैसे तो ज्यादा है लेकिन 24 एक साथ काम करते हैं और तीन एक साथ ट्राइलेट्रेशन के जरिए एक पर्टिकुलर लोकेशन को एकदम एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो अगर आप मैप्स यूज करें, गूगल मैप्स या कोई और मैप, अगर आप चाहते हैं भैया मुझे खाना खाना है, चाइनीज खाना है, कहाँ है वो ढूंढ सकते हैं, आप वहां का वेदर जान सकते हैं, आपने फोटो और वीडियो खींची है या बनाई है तो उसको आप जियो टैग कर सकते हैं कि मैंने ये यहां बनाई है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाई है। तो ये सारे जीपीएस एनेबल्ड फोन में ही हो सकता है और ये बहुत अच्छी तकनीक है, आजकल सब यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी तकनीक आ गई है, वो एम कॉमर्स है। पहले हम ई कॉमर्स की बात करते थे, यहां पर तो हमने कोई बात ही नहीं की थी कि भाई हमारा मोबाइल पे होगा, लेकिन क्योंकि सब चीज मोबाइल पे हो रहा है तो वही जो ई कॉमर्स है आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल कॉमर्स हो गया, क्योंकि मोबाइल के ऐप से करते हैं। एक एनएफसी आपने देखा होगा कि आप कई लोग कार्ड लेते हैं और बस टैप करते हैं, केवल ऐसे छूते हैं और उनका पेमेंट हो जाता है, वो कैसे होता है? वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन से होता है और वो आपका जो मोबाइल है वो RFID स्मार्ट कार्ड की तरह काम करता है और कहीं पेमेंट करना होता है खट से उसको छुइए, आपको उसमें कहीं अंदर डालने की जरूरत नहीं होती है, आप बस टैप करिए और आपका पेमेंट हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एक सेंसर नेटवर्क दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, सेंसर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स जहां पर सेंसर लगे हो, ये सेंसर क्या होते हैं, सेंस करते हैं चीजों को और उसके बाद ये सेंट्रल जगह भेज देते हैं, वहां से ये बाकी जगह रिले होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो अलग अलग सेंसर जहां लगे हैं उसका एक नेटवर्क जहां से आपको जानकारी मिलती है। एक सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आपके लिए मान लीजिए एक आपकी कार है, ये कार है, इसमें एक ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम है, ये आपका लोकेशन पता कर सकता है, ये आपकी स्पीड पता कर सकता है, कितना वाइब्रेशन होता है, कितना उठापटक हो रही है वो पता कर सकता है, कितना फ्यूल ये खर्च कर रहा है आपकी गाड़ी वो पता कर सकता है। तो जब ये जानकारी बहुत सारी गाड़ियों से एक जगह पहुंचेगी तो ये बाकी जो गाड़ी जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पता चल जाएगा, तभी तो आपको गूगल बता देता है कि इस जगह पे, गूगल मैप्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको बता देता है कि यहाँ ट्रैफिक है, ये वाला रास्ता लीजिए, तो आपको ये पता चल जाता है कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पर रोड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और कहाँ पर आप गैस गजलर बनेंगे, इसका मतलब बहुत ज्यादा गैस यानी पेट्रोल या डीजल यूज करेंगे। कंटेंट प्रोवाइडर नेटवर्क्स, अब यहां पर देखिएगा कि बहुत सारे इंटरनेट सर्विसेज आज आप क्लाउड पे देखेंगे या फिर डेटा सेंटर नेटवर्क से आ रही है। तो ये जो डेटा सेंटर नेटवर्क है ये क्या है? ये जो है इसमें हजारों लाखों सर्वर्स लगे हैं, जो आप देख रहे हैं ना ये सर्वर्स है, एक ही लोकेशन पे हजारों लाखों, एक एक किलोमीटर, दो दो किलोमीटर तक ये होते हैं, इतना बड़ा एरिया होता है। तो जो DCN की मैं बात कर रहा हूं, डेटा सेंटर नेटवर्क, क्योंकि आज के जमाने में इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग की जरूरत हो गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत होती है, तो यहां पर हमको इन डेटा सेंटर से और इंटरनेट के बीच में डेटा ट्रांसफर करना होता है, तो उसका काम यहां पर हो रहा है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि ये जब हम डेटा सेंटर नेटवर्क बनाते हैं तो इसमें कुछ चैलेंजेस है, कुछ चीजें आती हैं, जैसे भाई इसको बढ़ाना आगे, इसमें और भी हमको सर्वर्स लगाने हैं, या नेटवर्क थ्रूपुट बढ़ाना है। नेटवर्क थ्रूपुट क्या होता है, इसको एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, और एनर्जी कितनी यूज हो रही है ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा एनर्जी ना यूज हो जाए। अब आपको मैं जो बता रहा हूं नेटवर्क थ्रूपुट, एक इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो क्रॉस सेक्शन बैंडविड्थ आता है, यानी कि अगर आप एक ये सर्वर है और दूसरा ये सर्वर है, इसके बीच में कितने डेटा रेट, कितने फास्ट डेटा को आप भेज सकते हैं। अब इसमें समझना आपको होगा बैंडविड्थ और थ्रूपुट में अंतर क्या है। पहले समझिए, मान लीजिए एक पाइप है, ऐसे पाइप है, तो पाइप का जो मुंह है ना इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। अगर मैं पाइप को बड़ा कर दूं या ये छोटा कर दूं तो इसका थ्रू, ये बैंडविड्थ कम हो जाएगा, लेकिन यहां से कितनी तेजी से चीजें जा रही हैं उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। यहां पर कार से देखिए, यहां पर एक डेटा पैकेट एक सेकंड में आ रहा है,
यहां पर 5 डेटा पैकेट 1 सेकंड में आ रहा, तो थ्रूपुट किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ। पहले जो डेटा सेंटर नेटवर्क बनाए गए जिसमें बहुत सारे सर्वर्स रखे गए वो बहुत ही सिंपल ट्री टोपोलॉजी पे थे। अब ट्री टोपोलॉजी का भी डिस्कशन मैं करूंगा आपसे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए बहुत बेसिक था। इसमें 3 लेयर थे, मतलब स्विचेस जो लगते थे। अब स्विचेस, राउटर, हब्स क्या होते हैं, इस पर भी बहुत गहन चर्चा होगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए एक तो ये एक्सेस था, एक लेयर थी जिसको डिस्ट्रीब्यूशन या हम एग्रीगेट कहते हैं, तीसरी लेयर है ये कोर। अब ये जो था इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम स्केलिंग नहीं कर पा रहे थे। स्केलिंग का मतलब हमें सर्वर बढ़ाने हैं, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये जो प्रॉब्लम जो स्केलिंग वाली है, ये स्केलिंग वाली है, ये यहां पर समस्या आ रही थी। और ये फॉल्ट भी बहुत ज्यादा होता था, अगर फॉल्ट हो गया तो भाई सारा का सारा लेयर ही बैठ जाती थी। बहुत सारे ऐसे बहुत ज्यादा पॉपुलर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो अपना कंटेंट देते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे गूगल हो गया, तो वो CDN यूज करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या हुआ, यहां पर क्या है, बहुत सारे सर्वर्स हैं, मतलब ये सर्वर यहां होगा, एक यहां एक सर्वर होगा, यहां एक सर्वर होगा, और वो हम ऐसे रखते हैं, मतलब वो जैसे मान लीजिए फेसबुक है, वो ये इन सर्वर्स को ऐसे रखेगा कि अगर आप यहां पर हैं तो आपको इसी सर्वर से मिल जाए। मतलब अगर आप मान लीजिए इंडिया में है तो आपको अमेरिका तक जाना पड़ेगा कंटेंट लाने के लिए, लेकिन अगर इंडिया में ही अगर आपको मान लीजिए दिल्ली में मिल गया, आप देहरादून में है, तो फटाफट आपका काम हो जाएगा। तो गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इस तरीके से बड़े बड़े जो आपके कंटेंट प्रोवाइडर हैं उनके खुद के CDNs हैं, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट देने का एक नेटवर्क उन्होंने खुद बना रखा है। तो ये छोटी सी फाइल भी हो सकती है कंटेंट, या पूरा का पूरा वीडियो एक साथ स्ट्रीम हो रहा हो। अब यहां पर ये है कि आपको बहुत सारे ये रेप्लिकेट करने होते हैं, यानी कि हर जगह लगाने होते हैं। अगर आप एक ही जगह लगाएंगे तो वहां से सब लोग एक्सेस करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आप देखिए, ये जो है ये CDN के बाद है, ये CDN के पहले, CDN फिर से समझ लीजिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की बात कर रहा हूं। यहां पर आपने क्या किया, एक सेंटर पर लगा दिया लोकेशन पे, और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दिया, और लोग यहां से एक्सेस कर रहे हैं, ये इधर से करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो ये भी कर रहा है, और ये पूरा सर्च करना पड़ेगा। अब CDN का इस्तेमाल करके क्या होगा, इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया, और यहां पर रेप्लिकेशन बना दी, इसी का रेप्लिकेशन, यहां पर कंटेंट का रेप्लिकेशन बना दिया। तो जब ये एक्सेस करेगा तो इसको एकदम फास्ट मिलेगा। ये मान लीजिए यहां पर आप इंडिया में है, ये लॉस एंजलिस में है, यहां पर इंडिया में है, और यहीं पर आप मान लीजिए मथुरा में है, और यहां दिल्ली में आपका एक नियरेस्ट सर्वर है, तो आपको फटाफट मिल जाएगा। इस तरीके समझिए, तो यूजर जब रिक्वेस्ट करता है तो CDN ये देखता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कि कौन सा रेप्लिका, या कौन सा रेप्लिका मतलब होता है उसी का एक जैसा प्रारूप, वो कौन सा सर्व करवाना है, मतलब कौन से आदमी को कौन से सर्वर से देना है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। मान लीजिए इन्होंने इसको मांगा, यहां से मांगा, और ये नियरेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर लोड ज्यादा है, यहां पर ट्रैफिक लोड बहुत ज्यादा हो रहा है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ये स्विच कर देगा, यहां से लेगा। फिर ये मथुरा वाला दिल्ली से ना लेके, मथुरा वाला हो सकता है कि भोपाल से ले ले, या कोई और आगे जगह से ले ले। ट्रांजिट नेटवर्क्स, ट्रांजिट का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में जो आप रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर दूसरी जगह का इस्तेमाल करते हैं, उसे ट्रांजिट कहते हैं। तो जो भी कॉन्टेंट है या फिर एप्लीकेशन है जो DCN में रखे हैं, डेटा सेंटर नेटवर्क में रखे हैं, हम यहां पर उसी से कॉन्टेंट निकालते हैं, है ना। एक एक्सेस नेटवर्क होता है, वहां से हम कंटेंट निकालते हैं, यानी कि एक नेटवर्क है और यहां पर हम हैं, हम इसे नेटवर्क से कंटेंट निकालेंगे। अब कंटेंट क्या होता है, बहुत जगह मतलब बेसिकली क्या होता है, ये डेटा सेंटर से निकल के एक्सेस नेटवर्क, जो भी एक्सेस नेटवर्क होगा वहां से होता हुआ आपके पास आएगा। ये तो यही तरीका है ना। लेकिन इसमें क्या चीज आ रही है, जब कॉन्टेंट प्रोवाइडर, कॉन्टेंट प्रोवाइडर हो गया मान लीजिए फेसबुक है, या यूट्यूब है, या गूगल कर दिए, यूट्यूब गूगल का ही है। तो जब कंटेंट प्रोवाइडर है और आपका ISP, आपके आपका कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, कंपनी होगी, जैसे मान लीजिए आप BSNL से ले रहे हैं, या आपका ISP हो गया, या VSNL से ले रहे हैं, तो यहां से जब आप ले रहे हैं ISP से, हो सकता है कि जो फेसबुक है और ये ISP है, ये आपस में कनेक्टेड ना हो। तो अब ये कनेक्टेड नहीं है तो बीच में आप कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम रिले नेटवर्क का यूज करते हैं। क्लियर हो गया रिले नेटवर्क क्या है। तो ट्रांजिट नेटवर्क फिर से समझा दूं आपको, जब आप एक जगह से दूसरी जगह चीजें डालना चाहते हैं, लेना चाहते हैं,
और उसके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आप बीच में ट्रांजिट नेटवर्क का यूज करते हैं। अगर आपका जो नेटवर्क है जिसमें कंटेंट रखा है और जो एक्सेस नेटवर्क है जिससे आप कंटेंट लेके आएंगे, इनके बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो कहेंगे यार इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों ना हम खुद ही कनेक्ट हो जाए, है ना। जैसे आप गूगल और नेटफ्लिक्स का अगर बात करें, तो इनके इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये गूगल ने ISP के साथ खुद ही एक इंटरकनेक्शन डाल दिया है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, इसको खुद ही ये डील करेंगे और अलग अलग ज्योग्राफिक लोकेशन पे काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांजिट नेटवर्क है इसी को बैकबोन नेटवर्क्स कहा जाता है। एंटरप्राइज नेटवर्क, एंटरप्राइज का मतलब ये हो गया या एक संस्थान या एक कैंपस या एक इंस्टीट्यूशन या आपकी बिल्डिंग। अब यहां पर आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपकी कंपनी हो या यूनिवर्सिटी हो जहां आप पढ़ रहे हो, उनमें बहुत कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर आपस में नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं, जिससे डेटा शेयर हो सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं, आपस में बातचीत हो सकती है। तो इसमें तीन चीजें इसमें एंटरप्राइज नेटवर्क ध्यान देता है। पहली चीज है रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग का मतलब समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, कॉमन प्रिंटर। अब मान लीजिए 50 लोग हैं, अब 50ों को आप अगर प्रिंटर देंगे तो काम नहीं बनेगा। आप क्या करिए, छोटे छोटे प्रिंटर देने से अच्छा एक बड़ा सा प्रिंटर यहां रख दीजिए हाई क्वालिटी का, और इनको आप एंटरप्राइज नेटवर्क से कनेक्ट कर दीजिए, तो 50 लोग इस यहां से प्रिंट ले सकते हैं। ये तो आपका क्या हो गया, रिसोर्स शेयरिंग हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, जानकारी को शेयर करना। मान लीजिए कि अगर आपका कोई एक एंटरप्राइज है जो बैंक है, अगर बैंक के कंप्यूटर बैठ जाते हैं या नेटवर्क बैठ जाता है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोगों का, लाखों का, करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो जाएगा, तो ये हम नहीं चाहते। इसी एंटरप्राइज नेटवर्क में एक बात आती है जिसे हम कहते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब नेटवर्क्स जो VPN होते हैं वो क्या करते हैं कि ये एक, मान लीजिए एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, तो वर्चुअल नेटवर्क क्या करता है, इनको एक लॉजिकल एक एकता दे देता है। इंडिविजुअल नेटवर्क्स को अलग अलग साइड पे है, ये मान लीजिए लॉस एंजलिस में, टोक्यो में, जैसे यहां एग्जांपल भी देख रहे हैं, मुंबई में एक, टोक्यो में एक, सियोल में, लेकिन VPN क्या करता है, उनको एक नाम दे देता है। इसलिए बेसिकली VPN का काम यही है, या इसके पीछे जो अंडरलाइंग थॉट है वो ये है कि टिरनी ऑफ ज्योग्राफी को हटाना है। मान लीजिए मैं यहां पर हूं, ठीक है जी, अब अगर मैं, मान लीजिए अब मेरा डेटा यहां रखा हुआ है, मान लीजिए 15,000 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर रखा हुआ है, अब मैं इसको यूज तो करना चाहूंगा ना, मेरा डेटा है, मैं इसको यूज करना चाहूंगा, उसके लिए आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल टर्म में बताता हूं कि जो कंपनी है उसका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, है ना, इसमें कुछ डेटाबेस रखा हुआ है, डेटाबेस वगैरह सब आपको मैं अच्छी तरह बताने वाला हूं आगे चल के। अब इसमें क्या किया कि ये हमारे सर्वर्स हैं, बड़े बड़े सर्वर्स हैं, इसको हैंडल करने के लिए कुछ लोग हैं जिसको हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ये हो गए सर्वर, और हर एक एम्प्लॉय जो होगा जिसकी मशीन होगी वो होंगे आपके क्लाइंट, और वो रिमोटली इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस यही इसमें टेक्नोलॉजी है। बेसिकली क्लाइंट जो है वो नेटवर्क्स के थ्रू सर्वर से बात करते हैं, डेटा लेते हैं। इसमें जो एंटरप्राइज नेटवर्क का एक और जो गोल होता है, लक्ष्य है, वो ये है कि हमको लोगों के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में तो हम सोच ही रहे हैं। जैसे लोग आपस में बात करते हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बात करेंगे तो वो ईमेल करेंगे, क्यों ना एंटरप्राइज नेटवर्क का यूज किया जाए। टेलीफोन करते हैं, वो टेलीफोन करना है तो टेलीफोन अगर आप करवा रहे हैं और टेलीफोन कंपनी को बिल देना है, इससे बेहतर है कि आप क्या करेंगे, आप VOIP का यूज करिए। ये VOIP है IP टेलीफोनी, या वॉइस ओवर IP। IP बेसिकली इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करके जो आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं या लाइन पे कॉल करते हैं, स्काइप पे करते हैं, वो सब VOIP ही है, है ना। तो वीडियो के साथ आप ऑडियो लगा दीजिए तो फिर आराम से आप अलग अलग जगह बैठ के, पूरे विश्व में किसी भी जगह बैठ के आप मीटिंग कर सकते हैं। एक और चीज है, यहां पर एक आदमी है किसी अमेरिका में किसी जगह पे, यहां पर इंडिया में जगह पे है, और वो आपस में एक दूसरे का डेस्कटॉप दे सकते हैं, देख सकते हैं, इसको हम डेस्कटॉप शेयरिंग कहते हैं। जिससे कितने काम आसान हो जाते हैं, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। और एक और जो तीसरा काम है एंटरप्राइज नेटवर्क का, वो है कॉमर्स, मतलब कस्टमर को सामान बेचना, कस्टमर से सामान लेना, या जैसे आप एयरलाइंस देख लीजिए, बुक स्टोर्स देख लीजिए, कोई रिटेल शॉप देख लीजिए, उन्होंने सारा का सारा अपना ऑनलाइन कर रखा है या एंटरप्राइज नेटवर्क पे दिखा रखा है,
लोग उसे खरीद सकते हैं, लोग उसको देख सकते हैं और आपको फायदा होगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।